हीलियम, मैं भी नियॉन, और वो आर्गन, है की क्रिप्टॉन बात बोलता है, और ज़ेनॉन। क्या बोल रहे हो इससे? अरे ये रोज रोज एक ही बात ही होती है, बंद करो इसको। क्रिप्टन और ज़ेनॉन, इन दोनों के रिएक्शन मिलेंगे, इसके ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, के आर का तो बस एक मिलेगा, KrF2। बाकी ज़ेनॉन के रिएक्शन, इसके रिएक्शन होने वाले हैं बस। वो भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है किसी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को देता है, और वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसी फ्लोरीन ज़ेनॉन के जो कंपाउंड होंगे ना, बस किसके किसके साथ में होते हैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ होते हैं। तो पहला रिएक्शन ऐसा है कि अगर वेन ज़ेनॉन इज इन एक्सेस, ठीक है, व्हेन ज़ेनॉन इज इन एक्सेस, अगर ज़ेनॉन एक्सेस में आ गया तो Xe+F2 जो होता है ये कितना में? 673 केल्विन पे किसका फॉर्मेशन कर लेता है? Xe+F2 का। अब एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या पूछेगा, ज़ेनॉन क्या है? एक्सेस में है, ऊपर तो लिख रखा है मैंने, बताओ Xe+F2 जो होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? Xe+F2 का सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं, दो लोन पेयर कितने हैं? दो दो हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होता है टेनमोस्ट में, 3 हो गए ना लोन हाँ, पेयर, दो चार तीन, तो 4 नहीं 3, तो स्टेरिक कैसे नंबर पता वही भाई थ्री टोटल 8 हो गए, डी हाँ टोटल सर, तो 8 तीन पैर तो छह हुए और दो सिग्मा बॉन्ड है, तो वो शेयर करेगा ना, हाँ, तो तो 8 उसके दस हो, इलेक्ट्रॉन हुए, 10 हो जाएंगे ना। ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ तो चार सिलोन पर, रुक जा, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 के साथ उसने सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? ऐसे तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, तो लोन पेयर कितने हो गए? 3, तीन वही लिखा है ना मैंने, तो स्टेरिक नंबर की है, क्या हो गया? 5। और जब भी 5 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे? डी sp3 फोर डी d2 d होगा बस, सॉरी। और ज्योमेट्री tbp पता है आपको, और t की बात ट्रायंगल करें तो लीनियर हो जाएंगे, लीनियर ऐसा होगा ना, ज़ेनॉन हो गया। अब बताओ यहाँ पे लोन पेयर भी है, आपको पता है कि sp3d में ना 2 टाइप के एंगल होता है, एक तो 120 वाला होता है, एक 90 वाला होता है, समझ में आ रहा है? एक हाँ सर, 120 वाला होता है 90 और एक वाले अच्छे होंगे। 90 हाँ वाला होता है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गए उसको ज्यादा एंगल पे रखेंगे ताकि मॉलिक्यूल को कम रिपल्शन मिले और मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो। तो लोन पेयर जो होगा ना, किधर लोन पेयर को टहलते हैं अपन, बोलो? ट्राइगोनल में? सर, नहीं, ये ट्राई 120 पे लोन अच्छा पेयर है और फ्लोरीन है, तो लोन पेयर ज्यादा निगेटिव हो, ऐसे होते हैं ना सर, तो ये। इसमें वो वाला नहीं लगता, मतलब उसमें जैसे रिपल्शन की वजह से एंगल कम हो गया था, तो इसमें नहीं कुछ फर्क पड़ेगा? क्या बोल रहे, रिपल्शन की एंगल इसके पहले से ही फिक्स है ना, कि फ्लोरीन हो गया, ज़ेनॉन हुआ, लोन पेयर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 120 होगा, मतलब ये फ्लोरीन और लोन पेयर के बीच में। फ्लोरीन हो गया, ज़ेनॉन हो गया, फ्लोरीन इसके बीच का 180। इसलिए तो मैंने बोला कि अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, अनसिमेट्रिकल अपन उसको बोलते हैं जिसमें 2 टाइप के एंगल होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ देते ना, तो मैंने बोला sp3 ये टेट्राहेड्रल होगा, इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि बॉन्ड एंगल कितने हैं इसके? 109.28 10। हाँ, वो सिमेट्रिकल है, चारों चारों बॉन्ड एंगल सेम होते हैं बिल्कुल, इसीलिए इसलिए इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, और sp3d वाले को क्या बोलते हैं? मतलब इसमें अनसिमेट्रिकल। फिर वो अगर एक पैर लोन पैर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना रिपल्शन का एंगल में? नहीं, नोट करो, सर हाँ बोलो। आप हो ना? हाँ हाँ मैं तो यही हूँ। सर, तो हो गया नोट। सर
सर नोट हो गया, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो सर, प्रतीक्षा करें। हो गया क्या? यस सर, पर्दा गिरा दो। यस सर, चलो देखना इधर। अब अगर जेनोन एक्सेस में होगा 673 केल्विन पे तो क्या बनेगा? एक्सी F2। और अगर ना फ्लोरीन एक्सेस में आ गया, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्सी प्लस F2। वो जो ऊपर रिएक्शन लिखा था ना, वो भी लिखता हूँ मैं, कि ये एक्सेस में था प्लस F2। और एक बार ये एक्सेस में आ जाएगा, इसका तो मैंने देख रखा है कि एक्सी F2 बनता है। और एक बार और एक्सी प्लस F2 ये एक्सेस में। अब इन दोनों का ना एनसीईआरटी देखना, ऐसे रेशियो दे रखा 1:5 है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेशियो है। इसका एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसके रिस्पेक्ट में इसके कितने? 5। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, तो इसके रिस्पेक्ट में 20। और यहाँ पे था 673 केल्विन, यहाँ पे आएगा 573 केल्विन, 658 आता है, तो और यहाँ पे 873 केल्विन। तो इसमें बनता है XeF4 और इसमें बनता है XeF6। अरे एक ही F2 का 5 और 20 कैसे हो सकता है? अरे मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेशियो है, तो एक बार इसके रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 5 किया गया, एक बार इसके रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 20 किया गया, 20 टाइम्स। तो अब जाके रिएक्शन ये हुआ इतने इतने टेम्परेचर पे, तो एक बार XeF4 और एक बार XeF6 बना है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेशियो है। ऊपर वाले का, हाँ सर, ऊपर वाले सिंपल होते हैं, इसलिए उसने जेनोन को एक्सेस में ले रखा है। तो मतलब अगर रेशियो ना दिया तो वो सबसे फर्स्ट केस कंसीडर करने का ना। हाँ, वो टेम्परेचर मेंशन करेगा आपको, इसलिए 658 याद रखना, 73 तो सब में है, 658। हाँ, और 2 से बनाना स्टार्ट करोगे आप, 2, 4, 6। जैसे इंटर हेलोजन कंपाउंड में ना 1, 3, 5, 7 बनते थे, और इसमें क्या होगा? हमेशा इवन में ही बनेगा। हाँ, इवन में ही बनेगा, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड होते हैं ना। जैसे नियॉन ले लो तुम, नियॉन तो नियॉन में 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p क्या होता है? 6 होता है। यहाँ तो 2d आएगा ही नहीं, तो कहानी खत्म करो। जेनॉन में देखो, जेनॉन तो बहुत दूर चला गया, आर्गन में आ जाते हैं। आर्गन में जब तुम निकालोगे ना, तो 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, यहां तक हो गया आर्गन। अब जैसे ही अनपेयर्ड स्टार्ट करोगे तुम, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के डी में जाएंगे, तो जब भी अनपेयर्ड आएंगे तो कितने आएंगे? 2 आएंगे ना, एक यहाँ पी वाला आया होगा, एक डी वाला आएगा। फिर अगला अनपेयर्ड करोगे तो 4 होंगे, फिर अगला करोगे तो 6 होंगे। तो इसलिए इसमें 2, 4, 6 में ही चलेगा, और उसमें कहां पे चलते थे? 1, 3, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन हो गया, और लास्ट में क्या? 3p6। 3d इसका खाली है, जरूरत पड़ने पे काम में ले सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो चलो 3p6 में देखो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 है, 3D बिल्कुल खाली है, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया क्या? हाँ, अब ये नॉर्मल स्टेट है। जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएंगे ना, तो कितने अनपेयर्ड होंगे? 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये समझ में आ रहा है? पहला एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गया? कहाँ गया? तो इसमें 1, 3, 5, 7 हैलोजन में, इसमें 2, 4, 6 है, वही है ना? हाँ हाँ, उसमें जब भी होंगे वो ऑड में होते थे अनपेयर्ड, यहाँ पे इवन में होंगे। okay. क्योंकि उसके पास जो हैलोजन थे ना,
अरे ये 1-1 क्यों लगा रहे हो तुम लोग, जल्दी से हटाओ जिसने लिखा है। नीचे वाला भी हटाओ, दो छोड़ रखे हैं, हटाओ रे जल्दी से, 1873 नहीं है। हाँ देखना अभी इधर, तो इसमें 246, इसलिए 246 जब भी बनेगा ना इसमें देखना, अब इवन में ही बनेगा बॉन्ड, ऑड में नहीं बनेंगे, समझ में आया? तो 658 यार, 650 इलेक्ट्रॉन निकालते तब उसी ऑर्बिटल में क्यों नहीं निकाल सकते हैं कि मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पी वाले में चारों के चार पेड हो और उसमें दो अनपेड हो, ऐसा क्यों हो सकता? क्या बोल रहे हो फिर से एक बार बोलो। मतलब जब अनपेयरिंग करते हैं, एक्साइटेड करवाते हैं, तो उसी ऑर्बिटल में से वापस क्यों नहीं निकाल सकते, अलग ऑर्बिटल में से हर बार क्यों निकालते हैं? अलग ऑर्बिटल से कहा निकाला मैंने, उसी में से तो निकाल रहा है ना मतलब। जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चार होंगे, मतलब हाँ जो पी है उसमें भी दो होंगे और डी वाले में भी दो होंगे ना अनपेड। अरे तो अपने को नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने हैं ना, तो आप फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करोगे तो जैसे था वैसे ही रहेंगे ना वो तो। देखना नेक्स्ट, अब ऐसा है ये अगेन XeF4, बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा चार, लोन पेयर दो, ये खुजली हो रही ना रे तुम लोगों को, लोन पेयर दो और स्टेरिक नंबर छह, SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन, SP3 SP3D2 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, चार सिग्मा दो लोन पेयर, क्या हो गया स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर प्लेनर कहाँ आता था? DSP2 में, यहाँ पे देखो SP3D2 में। तो ना एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी आपसे, जैसे एक दे दिया NiCl, NiCl4 नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है JEE में, और वो ना ऐसे पूछा है NiCN4, ध्यान से समझना, इसमें -2 आता है बता रखा है मैंने, और एक ले लेते हैं ये XeF4, ऐसे ऐसे 8-10 कंपाउंड उसने ले रखे थे, पूछा था ना कि इसमें बताइए स्क्वायर प्लेनर कौन कौन होगा, तो ये भी तो स्क्वायर प्लेनर होगा ना, NiCN4-2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन DSP2 है, इस ये भी क्या है स्क्वायर प्लेनर है ना, SP3D2 में स्क्वायर प्लेनर है, तो वो इंटीजर में पूछा था 8-10 कंपाउंड दे करके, इंटीजर में पूछा इसमें से ऐसे कितने कंपाउंड है जो क्या है स्क्वायर प्लेनर है, तो आप ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन वाले में DSP2 स्क्वायर प्लेनर है और यहाँ पे SP3D2 स्क्वायर प्लेनर है, स्ट्रक्चर कैसे हो जाएंगे, ये ज़ेनॉन हो गया, क्लोरीन वाले सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सभी पे क्या होते हैं 90-90 के एंगल होता है, क्लोरीन फ्लोरीन, लोन पेयर ऊपर लगा दिया नीचे लगा दिया, ये ऐसे रहते हैं, नोट करो ये XeF4 वाला। मतलब सेम क्रिप्टन के साथ भी होगा कैसे ZD? क्या बोल रहे हो, सेम क्रिप्टन के साथ भी सेम होगा अगर फ्लोरीन के साथ बनेगा तो? हाइब्रिडाइजेशन निकालना भूल गए उसका, तो ये पूछ रहे हो क्या कि NiCN के साथ DSP2 होगा तो NiF4 के साथ DSP2 होगा, ऐसा पूछना चाह रहे हो क्या? ZN की जगह क्रिप्टन, मतलब ZXeF4 की जगह KrF4 होगा तो? नहीं, KR के बस में एक ही कंपाउंड KrF2, बाकी सब ज़ेनॉन के। तो आप अभी लिखवा दे ना KrF2 का रिएक्शन, KrF2
जो मतलब क्रिप्टन से रिलेटेड है ना उसके क्वेश्चन अपने में नहीं आते, अपने में बस किसके आते क्वेश्चन, जेनोन के आते, इससे जेनोन मतलब। हाँ सर हो गया ना, हो गया उसका उत्तर है। ओके ओके ठीक है, उसका बताओ XeF6 का हाइब्रिडाइजेशन। 7 मतलब सेवन sp3d3 हाँ उसका स्टेरिक नंबर 7। उसमें कितने मतलब कंपाउंड है XeF6 में? है और एक लोन पे और ये 1873 हो गया वापस सर। 1873 अब उसकी जरूरत भी नहीं है, तुम ही कर रहे हो मैं समझ गया। अरे ऐसा ना ध्यान तेरा ही गया, मेरे को ध्यान उस पे गया नहीं था, मैं तो XeF6 को देख रहा था। XeF6 देखना, इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो 6 है, लोन पेयर कितना है? एक। स्टेरिक नंबर कितने हो गए? 7। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d3। ज्योमेट्री हो गया क्या? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और 6 सिग्मा एक लोन पेयर है, अगर 7 के 7 सिग्मा होते ना तो बस पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इस तरह से तो इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर? पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है, मतलब जेनोन हो गया 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोरीन और ये फ्लोरीन एक ऊपर लगा दो और एक नीचे लोन पे है। ये लोन पेयर अंदर क्यों नहीं रहे? ये लोन पेयर फ्लोरिन के बीच में एंगल ज्यादा होगा था, ऊपर वाले फ्लोर है फ्लोरिन। क्या बोल रहे हो एक बार फिर से? मतलब ये लोन पेयर और फ्लोरिन के बीच में एंगल ज्यादा होगा ना, वो मतलब वहीं से डिस्टॉर्शन आएगा ना। हाँ, और लोन पेयर को ना मैंने इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि ऊपर वाले में इसमें भी दो टाइप के एंगल है, 72 डिग्री और 92 डिग्री। हाँ, तो ऊपर में 90 डिग्री है, अगर इसमें रखते इस प्लेन में पेंटागोनल में तो कितने आते वो 72 डिग्री आते हैं, तो रिपल्सन ज्यादा लगता है, ऊपर रखा है तो 90 का डिग्री है इसलिए रिपल्सन थोड़ा कम लगेंगे, तो मॉलिक्यूल मतलब ज्यादा एंगल ज्यादा है तो रिपल्सन कम है ना। हाँ ऑब्वियस बात है ना, एंगल ज्यादा होंगे तो दोनों के बाउंड दूर दूर होंगे तो रिपल्सन कम लगेगी। सर वो लोन पेयर और फ्लोरीन को तो ऐसे एक्सचेंज कर सकते ना, वो तो कहीं रख सकते ना। ये ऊपर नीचे की बात करते हो क्या? हाँ सर। उसका नीचे ऊपर कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये दोनों आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना क्या था, 658 ठीक है, एक में XeF2, एक में XeF4, एक में XeF6। साथ साथ वो हाइब्रिडाइजेशन में पूछता है। सर आपको पता है अभी आपको पार्टी मिलने वाली है? क्या बोल रहे हो? आपको भी पार्टी मिलने वाली है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? वो आपने बहुत अच्छा पढ़ा ना तो नमन आपको पार्टी दे रहा है। दो दिन बाद वही वेज देखना। नेक्स्ट में ऐसा है, ये रिएक्शन भूलने नहीं, इसके 658। हाँ नेक्स्ट है, एक ना XeF6 जो होता है ना, XeF6 उसी के नीचे पॉइंट लिखना है ये,
XEF6 can also be prepared by XEF4. XEF4 से भी बनाते हैं अपन इसको. कैसे बनाते हैं? XEF4 प्लस में यहाँ पे आपको तो ये पहले देखो स्टार्टिंग से रिएक्शन लिख देता हूँ. XE प्लस में F2, ये याद आ रहा है ना? कितना टेम्परेचर आप लेते थे यहाँ पे? 658, तो 573 केल्विन. रेशियो याद है 1:5. ये XEF4 बनता है. अब इस XEF4 की रिएक्शन अपन O2F2 के साथ करवाते हैं. ये क्या बन जाता है यहाँ पे? XEF6 बन जाता है. और O2F2 जो होता है ना, ये काफी अच्छा क्या होता है? फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, मतलब फ्लोरीन देने वाला होता है. इट इज ए गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट. फ्लोरीनेटिंग कहने का मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन देने वाला एजेंट. ये क्या बन जाता है? XEF6 बन जाता है. सर मैं मजाक नहीं कर रहा था, सही में नमन दे रहा पार्टी. अरे तो मैंने भी मजाक नहीं किया. थैंक यू. आपको सेंटर करना पड़ेगा. क्या बोल रहे हो? आपको सेंटर पे आना पड़ेगा फिर. मेरे को कुछ आइडिया नहीं है सर इस पार्टी का, लेकिन आप अमन नवदे को पूछ लो, उनको सारा आइडिया है अभी तक तो. ओहो पार्टी हो फिर नमन मुकर जाए, कोई दिक्कत नहीं है. हम है ना, फिर हम पार्टी दे देंगे ना. चलो पक्का सर? हाँ बोलो. मैं पक्का ना, आप दे दोगे ना पार्टी? ऑफलाइन में आएंगे ना तो पक्का एक बार पार्टी होगी. सर ये एडवांस वालों को नहीं मिलेगी, इनकी तो हो गई थी लास्ट दिन पे सीसीडी फोटो. अरे वो शर्ट थी, वो तो पंकज सर ने दी थी. हाँ तो हमको तो वो भी नहीं मिला था. निश्चय तो वो तो हमने जीते थे, मिले नहीं थे. अरे अब तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो यार कि कब से भूखे बैठे हो. दोनों क्लास के हो गए, एडवांस वालों के भी, जेई वाले को भी. मैंने तो कुछ बोला ही नहीं कि एडवांस का नहीं होगा, जेई का होगा. तुम लोग आपस में दंगल कर लिया है. चलो इसको हटाऊं मैं. देखना अब निश्चय का आवाज सुना ही नहीं दिया. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, दो टाइप की हाइड्रोलिसिस चलती है यहाँ पे ना. सर ये टॉपिक चेंज हो गया ना? क्या बोल रहे हो? टॉपिक चेंज हो गया ना, ये मतलब नया हेडिंग है ना? मतलब हाँ, जेनोन से रिलेटेड ही जो कंपाउंड है ना, जैसे किसके किसके हाइड्रोलिसिस होंगे? XEF2 के, XEF6 के और XE किसके? F4 के. यही तो बने थे, तो इसी के होंगे. अब देखना है यहाँ पे. सबसे पहले XEF6 प्लस H2O. XEF6 है प्लस में क्या? H2O. अब आपको यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन याद रखनी होगी. पहले वाला XeO3 प्लस HF बनता है. समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला क्या बनता है? XeO3 प्लस HF. देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ना, जो सेकंड लिख देता हूँ, सेकंड हो गया XeF2 का प्लस H2O. इसका कंपाउंड जो होगा ये बनता है XE प्लस HF प्लस O2. और XeF4 का इन दोनों को ऐड करके लिखना है, पहले वाले और दूसरे वाले को. तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या क्या आएंगे? XE आएगा, HF तो एक ही बार आएगा ना, ऊपर नीचे कॉमन है. और XeO3 प्लस में क्या? O2. ये झील कौन है रे? जील के सर ये क्या है? भावुक हो गया. अरे सर कोई मेरे नाम से दूसरा आया था, मैं तो हमेशा सर ने लगा के आता हूँ. मैं अमेरिका वाला जो MIT है ना, वो भी MIT गलती से वो लिख दिया उसने. लिखा क्या वही समझ नहीं आ रहा कैसे मिलेगा.
उसने जो लिखा है मेरे को समझ में आ गया, लेकिन पूछा देन आईआईटी मिल जाएगा, नहीं देन एमआईटी तो चला थी क्या तेरा भाई था रे, बता देना तेरा भाई था ना, हाँ तेरे नाम से ही आता है वो सर सबके नाम आता है, हाँ तेरे को पता है सब, हाँ सर बोर्ड में क्षितिज के नाम से आया था एक बार। ओके ये जो नीचे वाला रिएक्शन है ना, एक्सी का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना है, प्लस बोलो कितना, प्लस फोर, यहाँ पे कितना है जीरो, यहाँ पे कितना है प्लस सिक्स, फोर से जीरो किया क्या हुआ रिडक्शन, ये क्या हुआ रिडक्शन हो गई, डिस्प्रोपोर्शन। हो गया एक मिनट सर। ओके चलो मैं तब तक पूछता हूँ, मतलब तुम लोग नोट करो तब तक मैं किसी से कुछ पूछ लेता हूँ। चिनमय, XeO3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये 18 वाले ग्रुप्स हैं ना, जब आपसे रिएक्शन पूछेगा तो उससे रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन में पूछ लेते हैं। चिनमय, XeO3 का हाइब्रिडाइजेशन, चिनमय नहीं आया आज, अरे सर हाँ हाँ वो सुन लिया मैंने, हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा सर, sp3d sp3d बहुत सही, गलत है रे। अब दूसरे से पूछता हूँ, अमन टन्ना नहीं रुक जाओ तेरे से नहीं, जुगल हाइब्रिडाइजेशन sp3, नमन हाइब्रिडाइजेशन sp3 सर sp3, और ये देखा अपना सबसे सुपर स्टार स्टूडेंट हमारा वीर पोपट हाइब्रिडाइजेशन, बहुत उम्मीद लगा के पूछे हैं तेरे से, हाँ पोपट का सही है बाकी सबका गलत है। मैंने हंसा नहीं ठीक है तुम हंस रहे बोल करके बट मेरा मजाक उड़ा रहा है सर, ये कंट्रोवर्सी करना चाहता है निश्चय। XeO3 था सबसे पहला, देखो XE हो गया, ऊपर में लोन पेयर हो गया, डबल बॉन्ड ऑफ, डबल बॉन्ड ऑफ, ये यहाँ पे ऐसा sp3 टेट्राहेड्रल है, और क्या था यार, एक तो XE बना था, XE क्या वही बना था, बस यही था, सिर्फ था एक साइड बस। नेक्स्ट है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बस ध्यान रखना किसके होते हैं, एक XeF6 के होते हैं और किसी के नहीं होते, और इसमें ना ऐसे पूछेंगे वो आपसे XeF6 प्लस H2O, और इसमें फिर पूछेंगे XeF6 प्लस 2 मोल H2O, XeF6 प्लस में 3 मोल H2O, ये याद रखना बिल्कुल आसान है, बताओ कितना मैक्सिमम HF निकालना है आपको, एज पॉसिबल जितना हो सके उतना HF निकालो, पहले से कितने निकलेगा, दो निकालने के बाद मतलब ट्वाइस HF हो जाएगा। हाँ तो ध्यान से देखना, आपने यहाँ से दो फ्लोरीन निकाला है ना, तो चार तो होगा ही होगा, एक ऑक्सीजन टैप देना है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है XeOF4 लिखा हुआ है,
यहाँ पे कितना निकलेगा एचएफ? चार चार एचएफ तो तूने निकाल दिया, तो बचा होगा इसमें क्या बचा होगा? इसमें कितना निकलेगा? पूरा निकल कंप्लीट निकल जाएगा, तो एक्सीओ एक्सीओ थ्री एक्सीओ थ्री बच जाएगा। ठीक है, नोट करो। हो गया सर 658, इसमें एक्सीएफ टू एक्सीएफ फोर एक्सीएफ सिक्स, और जो हाइड्रोलिसिस थी HCF4 का क्या होता है, उन दोनों का ऐड होता है। समझ में आ रहा है ना? HCF4 के हाइड्रोलिसिस अगर होते हैं अपन, तो HCF2 प्लस HCF2 का HCF6 का जो हाइड्रोलिसिस हुआ, उन दोनों का एडिशन होता है वो, मतलब दोनों का मिक्स, दोनों का प्रोडक्ट बनता है वो, दोनों का प्रोडक्ट का। अभी आपने ये बनाया था ना कि HCF6 प्लस H2O सबसे पहले में, तो ये क्या बना था? XCO3 plus HF बना था, और एक आपने लिखा यहाँ पे XCF2 plus H2O, इसमें क्या होगा? बस इसको डिकम्पोज कर दिया उसने, तो ये XC plus O2 में आ गया, और बाकी XCF4 का क्या था? उन दोनों को ऊपर नीचे ऐड कर देते थे ना, ऐड करने के बाद क्या आ जाता है? HF आ जाता, प्लस XC आता, प्लस O2 आता, प्लस XCO3। 658, पहले में जेनोन एक्सेस होगा, दूसरे में, तीसरे में फ्लोरीन एक्सेस होगा, 1:5, 1:20, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो बिल्कुल आसान है। चलो इसकी ये बताओ, ये हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा रिज्वाइन करो फिर करते हैं। रुको रुको, मोहित को डेजा आया क्या? नहीं हाँ बोलो सर, उसका मैसेज आया उसको अंदर लेने के। अच्छा मोहित को आ गया, लेस देन वन मिनट हटा दे, हट जाएगा खुद से, अब हटाने की जरूरत ही नहीं है सर, अपने आप काम होने दो। देखना सबसे पहला कंपाउंड कौन सा था, HCOF4 था, HCOF4। अब मैं जिससे पूछूंगा उसको बताना है। सर ये कब था? अच्छा पार्शियल नहीं, ये कहां था HCOF4? अरे वो लास्ट टू ट्वाइस HF प्लस बना था, हां पार्शियल हाइड्रोलिसिस में। अगर सब एक और बाकी है अभी, देखो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बोलो कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड है पांच। लेकिन बॉन्ड देखना इवन में बनाया है, ठीक है आप ऑड मत समझना, क्योंकि एक के साथ डबल बॉन्ड है ना। लोन पेयर कितना है? एक लोन पेयर। और स्टेरिक नंबर कितना हो गया? sp3d2। स्टेरिक नंबर जो है ना सॉरी और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 पांच सिग्मा एक लोन पेयर। ज्योमेट्री तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। हां सर ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। और यार ये बताओ शेप कैसे हो जाएंगे इसके, बोलो। पांच सिग्मा एक लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल वो स्क्वायर प्लेनर था 4-2 वाले में, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होंगे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो XC हो गया, F4 हो गया, कहीं पे भी लगा सकते हो ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऊपर लगा दी, और नीचे क्या आ गए? लोन पेयर, नोट कर लो।
हो गया सर then, नहीं नहीं सर रुकना सर आप ये एनोटेट को हटा देते हो हम लोग फालतू में लिखते हैं इसलिए हटा रहे हैं और तुम ही लिखते हो मेरे को वैसा लग गया बिल्कुल श्योर सर्टेन सर चिन्मय के हो तो मुझ पे शक कैसे कर सकते हो सर ये क्या बात है चिंटू का नाम लेते हो तुम लोग लिखते तुम लोग अरे चिन्मय चिंटू कैसा नाम लगता है तेरे को अच्छा लगता है ना उसको चीनो नाम अच्छा लगता है मैंने घटिया बोला सर आपको अच्छा कैसे सुनाई दे रहा है चलो इसको हटाते अभी देखना हो गया था ना सर एक सेकेंड हाँ सर हो गया चलो इसके बाद आते हैं ऐसे जो भी सैलून के बनते जाएंगे आप सबका करवाओगे बस दो तो इसके रिएक्शन करना ना यही तो दो और बाकी है वो बनवा देंगे एक्स ही O2 F2 एक बच रहा होगा और एक एक्स ही O3 तो करवा ही रखा है मैंने तो वो तो बनना इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए चार चार लोन पेयर एक एक चार सिग्मा एक लोन पेयर पांच वाले आ गए बताओ इसको क्या बोलते हैं जियोमेट्री क्या हो गया टीबीपी हो गया देखो क्या क्या होता है यहाँ पे ये सिग्मा इलेवन पेयर पांच जीरो होता है चार एक होता है तीन दो होते हैं दो तीन होते हैं फाइव जीरो में तो बिल्कुल दोनों दोनों सेम होंगे और चार एक में क्या होता है ये सीसो शेप होता है तीन दो में क्या होता है टी शेप होता है और दो तीन में क्या होता है लीनियर शेप होता है इसके एग्जांपल PCl5 चार एक के एग्जांपल ये हैं XCO2F2 और तीन दो के Cl F3 दो तीन के दो सिग्मा तीन लोन पेयर दो सिग्मा तीन लोन पेयर XCF2 I3 माइनस तो इसके बताओ सेप क्या हो जाएंगे सिसो सेप हो गए जोड़े टाइप का नोट कर लो टी शेप और सिसो शेप में अच्छा हाँ ठीक है समझ गया चार सिग्मा एक लोन पेयर टी शेप के नीचे क्या लिनियर लिनियर ये BCl5 में कौन सा शेप जब TVP दोनों सेम वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं मतलब सर वो लिखना साइड में लिखा आपने वो क्या ये साइड का ये लिखना टेबल नहीं नहीं वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा गया स्टेरिक नंबर 5 आएगा उसमें चार कंडीशन होते हैं करो एक बार मैंने आपको रिकॉल बस करवा दिया जैसे स्टेरिक नंबर 4 आते हैं तो उसमें कौन कौन से होते हैं चार जीरो होते हैं तीन एक होता है और दो दो और एक तीन नहीं होता है चार जीरो में CH4 आ गया टेट्राहेड्रल तीन एक में NH3 आ गया पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल दो दो में वेंट शेप आ गया H2O सर इसमें लोन पेयर कहाँ होंगे ऊपर होंगे या ऊपर फ्लोरीन होगा कहीं पे लगा दो ना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं ना ये तो सिमेट्रिकल का मतलब सारे के सारे 90 डिग्री का ही एंगल है ना तो आप जहां मन करे वहां पे लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अरे जब एंगल उतना ही है ना 90 के तुम अच्छा, कहीं अच्छा, पे अच्छा, हाँ, ओके सर सर हाँ ये तीन एक और दो दो में क्या होता है लीनियर और उसके ऊपर वाला तीन एक और दो दो कहाँ लिखा है तीन एक ये लिनियर नहीं होता रे ये पिरामिडल होता है नहीं उसके नीचे वाला तो लिनियर होता है ना
वो तो ये लीनियर क्या होता है, वेंट शेप होता है ना, ये H2O वो रखो HOH ऐसा होता है ना, 104.5 डिग्री एंगल ये वेंट एनएस3 में एक्चुअली सीसो कैसे होगा एक बार बताओ। अरे देखो ये झूला टाइप हो, ये देख मैंने ये फ्लोट बिना लोन पेयर को गिना होगा ना इसमें। हां हटा देना। हाँ सर अब खत्म ना, ट्रिप लोग तो खत्म हो गया, लेकिन अब इससे रिलेटेड जो भी जैसे जो आपको असाइनमेंट मिला है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सॉल्ट हीटिंग होंगे, हाइड्रोलिसिस होंगे, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब हेडिंग बना लेना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल थोड़ा उसमें लिखना है कि नहीं, जो अभी जो खत्म हुआ ना पी ब्लॉक, उसके बाद लिख लो। अरे इसमें पेज छोड़े? नहीं अभी पेज नहीं छोड़ना, बस उसके बाद ये कंटिन्यू लिखते जाना। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। सबसे पहले देखना हीटिंग ऑफ ऑक्जो एसिड, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला है हीटिंग ऑफ ऑक्जो एसिड। ऑक्जो एसिड का मतलब समझ में आता है ना, जिसका भी होगा एटलीस्ट उसके साथ एक ओएच की बॉन्डिंग जरूर होगी। अब उस ऑक्जी एसिड वाले में भी आपने देखा होगा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर हाईअर होता है, किसी का क्या होता है मिनिमम होता है, और किसी का क्या होता है इंटरमीडिएट में भी होता है। तो इस ऑक्जी एसिड में ना अब आपको दो कैटेगरी मिल जाएंगे। वो कौन से मिलेंगे? एक तो आपके पास वो आएंगे जो बिल्कुल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाले होंगे, एक वो होंगे जो लेस देन मैक्सिमम होंगे, मतलब मैक्सिमम से कम होंगे। समझ में आ रहे हैं? तो लेस देन मैक्सिमम वाला जो होगा ना, जैसे मान लो ना आपके पास एक HClO4 एग्जांपल दे, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का कितना है? 7 7 मैक्सिमम पे है। मैंने एक एग्जांपल दिया HClO, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? फोटो लिख ले, 3 है, 3 है HClO 3। अब जो 3 वाला है ना वो 7 की तरफ भी जा सकता है और -1 की तरफ भी जा सकते है ना। तो लेस देन मैक्सिमम वाला जो होगा ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन से डिफाइन होगा। अरे समझ में? अरे मैक्सिमम से कम है ना तो इंटरमीडिएट पे होगा, तो वो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन भी बना सकता है ना, क्योंकि जो इंटरमीडिएट होंगे वो कहां पे जाएगा? मैक्सिमम पे भी जा सकता है और लोअर पे भी जा सकता है, इसलिए इसको अपन डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में पढ़ेंगे। और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाले होंगे ना वो देखना, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाले होंगे इसमें मोस्ट ऑफ द में आपको क्या करवाना है? H2O निकालना है। तो H2O निकालना है, इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको? डिहाइड्रेट करवाना है H2O, जैसे H2CO3 है। बताओ हीट करोगे अगर आप, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है? H2O अगर आपने निकाला तो क्या बचा होगा? CO2। अगर आपके पास H2SO4 है, देखो ये भी मैक्सिमम पे है, ये भी मैक्सिमम पे है, ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, तो H2O निकालने के बाद क्या बचेगा? SO3 जो होता है ना, SO3 के 3 फॉर्म होते हैं, एक अल्फा फॉर्म होता है, एक बीटा फॉर्म होता है और एक गामा फॉर्म होता है। गामा फॉर्म में ये S3O9 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अल्फा बीटा के फॉर्म में ना ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, बेंडलेस और जुड़ते ही जाएंगे। मतलब ये SO3 जो होंगे ना वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होंगे। अच्छा हाँ सर, ये आज ही वो सॉलिड स्टेट में है, वही ना? हाँ, अगला फिर यूनिट आएगा ना वो इससे अटैच होते जाएगा ऐसे, तो मैं ऐसे करके लिख दिया हूँ ऐसे, ये डॉटेड है और ये S3O9 के फॉर्म में होगा। नोट कर लो, ये बताओ HNO3
इसको हीट करोगे अगर आप तो H2O नहीं निकल सकता ना इससे, क्यों नहीं निकल सकता, हाइड्रोजन तो एक ही है ना, एक ही है, और आगे आपको दो मोल रखना पड़ेगा तभी H2O निकलेगा। अब बताओ H2O निकालने के बाद क्या बचेगा, N2O5 बचेगा ना, हाँ N2O5 दो, क्योंकि अब वो समझ में आ रहा है आप लोगों को, सिंगल लगते तो H2O निकलता ही नहीं, इसलिए दो मोल मैंने किया, दो मोल करने के बाद आपके पास N2O5 आ गया, और N2O5 जो होता है ना, ठीक है, ये इसको अगर 40 डिग्री के आसपास अगर आप फिट करोगे ना तो ये NO2 प्लस हाफ O2 में आ जाएगा, नोट करो, इसका खुद से बताना है तुम लोगों को, HClO4 के हिटिंग क्या बनेगा, ओलियम दो मोल करना पड़ेगा फिर से। अच्छा उसमें वो भी निकाल दिया। एज पॉसिबल जितना हो सके उतना वाटर निकाल दें, हटा दें। नहीं नहीं सर एक मिनट, नहीं सर सर ये आप ये दो मोल वाला वापिस समझाओगे, एक मोल रखेंगे ना तो H2O नहीं निकल सकता क्योंकि H2O में दो हाइड्रोजन आते हैं ना। अच्छा हाँ यस सर मन में आया। अब जैसे तूने देखो दो मोल इसका किया तो दो मोल करने के बाद क्या बना होगा, H2 बना होगा, Cl2 बना होगा, O8 बना होगा। अब इससे तुम एक H2O निकालो तो H2 से H2 तो गया, Cl2 बचा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाले तो O7 बचा होगा ना, लिखा है आ गया समझ में, हाँ सर नोट करो। बताऊं क्या, हाँ ऐसा है अब पर एक ही मिनट हाँ सर हटा दो। देखो एक है आपके पास H3PO4, मैंने इसकी हीटिंग ना पढ़ा रखी है आपको याद नहीं होगा अभी, और इसके इसकी जब हीटिंग करवाते हैं ना तो दो बनते हैं, एक बनता है H4P2O7 और एक क्या बनता है HPO3 बनता है। अब अपने को डिसाइड करना है ना कि पहले हीट किया होंगे ना तो कौन सा बना होगा, ये वाला या ये वाला, तो अब आप बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो H3 है तो इसका मतलब ये श्योर सर्ट है कि आपने दो लगाया होगा, तभी मैक्सिमम जितना हो सकता है वो वाटर अपन ने इसको निकाल रखा है, ठीक है, दो मोल करके एक वाटर निकाला हुआ है तो दो मोल करके एक वाटर निकालोगे तो ये बन गया होगा ना। अब हाँ अब मैं आपको बताता हूँ ना कि इन दोनों में से पहले कौन बनेगा, पहले वाला यहाँ आएगा या फिर दूसरे वाला आएगा, तो देखना है यहाँ पे H4P2O7। अब दोनों में पानी का अमाउंट देखते हैं, मतलब कंपेरिजन करते हैं अपन, बताओ यहाँ पे एक फास्फोरस पे कितने हाइड्रोजन है, दो यहाँ पे एक फास्फोरस पे हाइड्रोजन है, तो ज्यादा पानी वाला ये हुआ ना, अरे यहाँ पे एक फास्फोरस पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक फास्फोरस पे एक ही हाइड्रोजन है, तो ऊपर वाला ज्यादा पानी वाला हुआ। तो अब आप बताओ जब आप हीट करे हो गए तो पहले H4P2O7 आएगा या HPO3 आएगा, H4P2O7 आया होगा क्योंकि पहले कम पानी निकला होगा, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा पानी वाला आया होगा ना H4P2O7। फिर अगर इसको हीट किया होगा तब क्या होगा, HPO3 आया। यस सर अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे,
बस ज्यादा पानी कम पानी देखना है आपको, ध्यान देखें H2BO3 है, ठीक है, क्या है ये H2BO3 है, इसको अपन ने हीट किया, तो हीट करने के बाद ये X बन गया, हीट करने के बाद ये Y बन गया, और बाद में हीट करने के बाद B2O3 आ गया, तो X एंड Y आर रिस्पेक्टिवली ऐसा है ये H3BO3 बोरिक एसिड है, सबसे पहला ऑप्शन है, आप आराम से बनाना, ज्यादा पानी कम पानी देखना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है HBO2 और H2B4O7, सेकंड ऑप्शन है H2B4O7 और HBO2, सी ऑप्शन HBO2 और H4B2O7, डी ऑप्शन है H2B4O7 और H4B2O7। चलो आप यहाँ पे देख लो, ये वाला जो आपने लिखा है ना, ये ज्यादा अमाउंट वाला है ना, ज्यादा पानी है इसके अंदर, और ये क्या है, कम है, कम पानी, हाँ आपको ज्यादा देखना है फिर कम देखना है। ए वाला होगा सर, डी आएगा, एक ने बताया एक ने डी बताया, और बोलो, नहीं 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 नहीं, हमारा सी, सी बी आएगा सर, बी, डी नहीं, सी आएगा सर, सी सी। और चलो अब देखना, पहले आपको ज्यादा पानी लिखना है फिर कम पानी लिखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ए और सी में अभी आप कंपेरिजन करते हैं, यहाँ पे ना एक बोरॉन के रिस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन है, सही है ना, और यहाँ पे एक बोरॉन के रिस्पेक्ट में कितना हाइड्रोजन है, दो। तो यहाँ पे एक बोरॉन के रिस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन है, एक बोरॉन के रिस्पेक्ट में दो हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है, तो ये गलत हो गया ना। अच्छा अब यहाँ देखो ना, एक बोरॉन के रिस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो एक बोरॉन में आधा, ज्यादा पानी हुआ ये, कम पानी हुआ ना, तो ए वाला सही है ना, ए और बी में से, ए और बी में से देखो यहाँ पे बी वाला। अच्छा हाँ हाँ ओके ओके, इसमें आधा हो जाएगा ना, उसमें एक इसमें पहले आधा फिर ज्यादा हो जाएगा ना, हाँ मुझे लगा उसमें मुझे मुझे भी पहले ज्यादा वाला रखते फिर कम वाला रखते। बता दें सर, एक नहीं सर, एक सेकंड है, हीट करते टाइम चार से मल्टीप्लाई करेंगे H3BO3, H3BO, H3BO3 को कितने टाइम में, एक H2O निकालते टाइम सब आगे कोएफिशिएंट कितने मॉलिक्यूल लेंगे उसके, दो ही लगाते हैं और एक H2O निकालते हैं, फिर जो बचता है ना लिख देते हैं, तो निकालेंगे तो फिर O7 कैसा है, तीन छः मतलब O5 नहीं, H3BO3 है ना इसके अंदर, अच्छा बोरिक एसिड है ना, एक स्टेप बीच से ना मतलब वो निकाला हुआ है, अभी 13 ग्रुप में ना बोरिक एसिड जो होता है उसकी हीटिंग कर दे तो बीच में एक और स्टेप आता है, अभी बोरेक्स की हीटिंग अभी मैं पढ़ाऊंगा तो इसको वहां से मैं रिलेट करूंगा। हटा दें अब, यस सर, सर एक एक सेकंड, एक और आप पानी वाला दे रहे हो क्वेश्चन, नहीं नहीं पानी वाला नहीं है, हम दारू वाले आएंगे, पानी वाले में
तुम लोग नशे में नहीं आते हो ना, दारू वाले क्वेश्चन देखना नेक्स्ट है, मतलब वो पहला था रिसिंग ऑफ ऑक्सी सॉल्ट। अरे सर सर वो करो। अच्छा नहीं लिखे थे अभी, वो जो आप बोल रहे हो ना उसमें सब सही आंसर आएंगे। हाँ सर। क्या कर रहे हो रे? नेक्स्ट में ऐसा है, हेटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, हेटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। ये काफी इम्पोर्टेंट है और इसको ना मतलब याद करने के लिए ना तीन पार्ट में, एक जो अनायन होंगे ना इसके वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो वो कैसे पता चलेगा, जैसे एग्जांपल देखो आप MnO4-, एक इसके साथ अमोनियम होगा इन्वॉल्व होगा, जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट होता है ना NH4 CR2O7, वैसे ही ये इसको हटा के मैं अमोनियम पर मैग्नेट तो लिख ही सकते अपन ना, क्या लिख सकते इसको अमोनियम पर मैग्नेट NH4 और MnO4, ये अमोनियम पर मैग्नेट है और ये अमोनियम डाइक्रोमेट है। देखो K2Cr2O7 और KMnO4 इन दोनों का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये पूरी कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती नहीं यार क्योंकि मैक्सिमम पे है ये, इसलिए यहाँ पे इसका नाइन MnO4- जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जिसके साथ भी हीट करोगे ना बाजू वाले का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। और ये यहाँ पे Cr2O7-2 ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अनायन है ये, तो पहला वही लिखा है मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे अनायन वाला पार्ट जो होगा, सेकंड में जो अनायन होंगे ना वो क्या होंगे, वीक होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जैसे इसको नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, मतलब ये हीट करने के बाद। हाँ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, देखो अमोनियम NH4 CO3, इसको क्या बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं। आप यूरिया का प्रिपरेशन याद करो, इसको जब डिकम्पोज करवाते थे ना तो क्या क्या होता था, वहां पे NH3 बन जाता था, समझ में आ रहा है, NH3 बन जाता था। तो इसके अनायन जो CO3 होंगे ना वो क्या होंगे, अनायन तो यही है ना यार, इसमें क्या है CO3-2 है, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। और थर्ड वाले में जिसमें नाइट्रोजन जो होगा ना खुद सेंट्रल एटम होगा, नाइट्रोजन एटम एज सेंट्रल एटम, एज सेंट्रल एटम, उसमें वो सेंट्रल तो मैं मिनिमम का इसलिए नहीं करेगा ना, जैसे NH4 क्या बोल रहे हो फिर से एक बार, CO3-2 में ऑक्सीडेशन नंबर सी का मिनिमम है इसलिए नहीं होगा ना, मिनिमम कहाँ है, मैक्सिमम पे है, चार तो है उसमें सर, तो फिर ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है, उसमें भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पास मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो सबको ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, इसीलिए तो मैंने डिफरेंट कैटेगरी में सेपरेट कर रखा है आपको, कि एक का अनायन जो होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक का नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और एक में नाइट्रोजन एटम जो होगा खुद क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। अब नोट करो फिर सभी, अभी एक एक एग्जांपल देता हूं मैं सबका। वो NH4 CR2O7 है कि CR2O4 है, क्या बोल रहे हो, वो अनायन वाले में जो सेकंड CR2O7 आएगा, गलती से लिखा गया था, हटा दें सर एक मिनट। ओके okay.
हटाऊं क्या अब? नहीं सर। सर ये क्या है? एन एटम एक्ट एज सेंट्रल एटम। ओके टाइम इधर आ गया है। तीन ब्लॉक के साथ साथ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये दोनों आपको ध्यान में रखने पड़े तो उसके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, इसलिए मैं साथ में इसको पढ़ा रहा हूँ और ये आपको अभी आगे भी हेल्प करेगा डी एंड एफ ब्लॉक में, पूरी इनऑर्गेनिक में हेल्प करेगी। पहले भी कहता है ना हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। हाँ नहीं एक और करवाया ना वो हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सॉल्ट। हाँ ये दूसरा है। सबका हो गया था क्या? यस सर। देखो सबसे पहला है अपने पास फर्स्ट में इसका जो लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला NH4 salt containing oxidizing anion. अगर oxidizing anion है मतलब उस anion का खुद का क्या होने वाला है? Reduction. Reduction. वो oxidizing agent है तो उसका खुद का क्या होगा? Reduction ही होगा ना। जैसे NH4 hold twice होता है Cr2O7। अगर इसको आप हीट करते हो तो देखो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6 मैक्सिमम पे है बिल्कुल। तो ये अपने आपको रिड्यूस करके ना Cr2O3 में भेजता है। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ 3 है, 3 है ना। देखो इसका तो रिडक्शन हुआ है ना, तो Cr2O3 निकालने के बाद H पॉसिबल वाटर जितना रिमूव हो रहा है रिमूव कर लो, कितना रिमूव होगा? 4H2O और जो बच गया फिर वो लिख दो, क्या बच गया? N2। N2 हाँ। समझ में? Yes, sir। ये मान लो ना अमोनियम पर ये इसका नाम पता है ना अमोनियम डाइक्रोमेट होगा, डाइक्रोमेट नीचे जो लिख रहा हूँ अमोनियम पर मैग्नेट बोलते हैं उसको, NH4MnO2 अमोनियम पर मैग्नेट। इसको अगर आपने हीट किया तो ये अपने आप NO7 आएगा ना यार, ये नहीं MnO4 आना चाहिए ना। हाँ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ Mn का कितना ऑक्सीडेशन नंबर? मैक्सिमम 7। हाँ अपने आपको रिड्यूस करके ना MnO2 में लेके जाता है, कहाँ पे लेके जाएगा? MnO2 में 7 से 4 देखो रिडक्शन। अब बताओ कितना H2O निकलेगा? 2 तो ट्वाइस H2O और क्या बच रहा है? N2N सर ये ऊपर वाले को अमोनियम डाइक्रोमेट बोलेंगे कि डायअमोनियम फॉर्मेट बोलेंगे? अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट उसको सर डाइक्रोमेट लगा अमोनियम को, क्या बोल रहे हो? 2 तो अमोनियम के ऊपर लगाया है तो Cr2O7 पे चार्ज -2 होता है। अरे अमोनिया इसकी वैलेंस इंटरचेंज हुई है ना, सम डाइक्रोमेट में भी Cr2O7 होता है, सब नहीं बोलता है डाइक्रोमेट लिखते हैं, इस पूरे का नाम ही होता है डाइक्रोमेट। ये एक्चुअली Cr4 जो है ना, देखो Cr2O7 ये बना कैसे होगा? Cr2O7-2 ये दो Cr4 का मिक्सचर होता है, बीच से एक ऑक्सीजन निकाला होता है। जब K2Cr2O7 के हीटिंग पढ़ाऊंगा ना तो इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा मैं आपको, नहीं बना लेते हैं। इसका अलग बनता है कि सिमेट्रिकल जैसा ही बनता है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन पे माइनस। देखो ये दो टेट्राहेड्रल यूनिट को ज्वाइंट कर रखा है ना यार इसने,
मतलब इसमें बीच में से ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा था आपने बोला था CrO4 माइनस जो होता है ना उससे निकाला होता है ऐसे निकाला होता है देखो इसको हटा रहे हैं डबल बॉन्ड हो माइनस माइनस ये पहला यूनिट हुआ CrO4 माइनस टू का CrO4 का ये पहला यूनिट है और दूसरा यूनिट ऐसे डबल बॉन्ड हो ओ पे माइनस और नीचे ओ पे माइनस लगा दो डबल बॉन्ड हो ये ऐसे रेडी में इसको निकाल दो मतलब इन दोनों को बदले ना इन दोनों को बदले एक ऑक्सीजन जो होते हैं ना कॉमन हो जाते हैं बस निकालना नहीं होता एक क्या हो जाता है कॉमन हो जाता है ओके दो टेट्राहेड्रल यूनिट को ज्वाइंट करते तो Cl2O7 माइनस टू बनता जो दोनों ऑक्सीजन जोड़े तो दोनों कंबाइन होते हैं दोनों पे माइनस होता है एक पे होता है ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है माइनस चार्ज ही आएगा ना अगर आपने CrO4 माइनस टू लिखा है इसका मतलब इसमें दो सिंगल बॉन्ड से अटैच ऑक्सीजन पे माइनस आएंगे यस सर क्रोमियम पे तो आ नहीं सकता क्योंकि मेटल है तो ऑक्सीजन पे ही आएंगे इसका मतलब दो का तो फिक्स है कि वो सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ आएंगे माइनस चार्ज लेकर के फिर ये स्ट्रक्चर से भी ज्यादा लेना देना अपने को है नहीं बट ये ध्यान रखना आपको अपने आपको रिड्यूस करेगा ये इसको हटाऊं अब मैं यस सर एक मिनट सर मतलब ये आपने ए पॉइंट लिखा है तो वो अभी हीटिंग ऑफ अमोनियम में लिखना है हाँ हाँ उसके मैंने तीन पार्ट अलग अलग किए ना हाँ सर ऑक्सीडाइजिंग एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग और एक नाइट्रोजन एटम जो खुद क्या होगा सेंट्रल एटम की तरह काम तो ये ए का पॉइंट है हाँ हाँ ए है ये कंटेनिंग ऑक्सीडाइजिंग एनायन हटाऊं इसको चलो देखना है कैसा है अभी कट हो जाएगा बस एक ही रिएक्शन लिखेंगे उतने तो हो जाएंगे NH4 और ClO4 इसको अमोनियम परक्लोरेट बोलते हैं अमोनियम परक्लोरेट पर आपको इतना सब याद कैसे रहता है अरे ये HClO4 है ना इसका नाम क्या होता है परक्लोरेट होता है वैसे CLO4- क्या होता है परक्लोरेट हो जाता है और आगे अमोनियम लगाए तो अमोनियम हो गया अब देखो हीट करते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर वही कितना है 7 होगा ठीक है जैसे ये 7 आ गया ना तो अपने आपको ये रिड्यूस करके Cl2 में लेके चला जाता है इसमें लेके चला जाता है Cl2 में इसका प्रोडक्ट ने ये वेटिंग में कौन आ गया इसका प्रोडक्ट आपको याद रखना होगा बनेगा एक N2 बनता है जितना H2 हो सकता है वो तो निकलता ही निकलता है उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी निकल जाता है आप नोट करो फिर इसी पॉइंट से मैं अगली क्लास में डिस्कशन करूंगा सर ये किस में है मतलब उसी में है ना ये उसका ए पॉइंट में है ना सर हाँ हाँ ओके ओके CLO4 माइनस क्लास में तो बोल रहे थे कि 10 मिनट का बाकी है फिर रिवीजन करेंगे अरे तो पी ब्लॉक तो खत्म ही हो गया जो ये एनसीईआरटी नहीं है आपके ये तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो आपको असाइनमेंट दिया गया है ना ये तभी सॉल्व होगा जब ये पढ़ाऊंगा मतलब क्वेश्चन तो इसके ऊपर ही आता है मतलब इंटरलिंक होंगे सब ना एक स्टेप जो आपका वो एनसीईआरटी वाला रहेगा फिर इसके साथ बोले इसको हिट कर दिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना पी ब्लॉक के सर ये मैसेज तो पढ़ो वीर को
पागल हो गया है सर, निकालो इसको। ये क्या हुआ इसका मतलब? सर ये वापिस बंगाली सर, ये पक्का बंगाल का ममता बनर्जी का आदमी है। इनसे तेरे को बंगाल ज्यादा सही लगता है क्या? क्या सर?